हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। इस समय सुहौल में बड़ौरा गांव में हम लोग हैं। आप देख सकते हैं रोड से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर हम लोग हैं। यहाँ चारों तरफ ताल नज़र आ रहा है, जहाँ सिर्फ गेहूं और जौ की खेती की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग के बड़े सम्मान राय साहब, जो हम लोग के मित्र हैं, वहाँ आप जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्हीं का एक खेती है, इन्हीं के खेत से चने लेने हम लोग आए हैं, जिसे हम लोग देहात में हो रहा कहते हैं। आप देख सकते हैं इस ताल में पूरी तरह से गेहूं नज़र आ रहा है। दूर दूर तक यहाँ कोई भी मकान नहीं दिख रहा है, चारों तरफ खेती है। करेल क्षेत्र इसको बोलते हैं। लगभग एक हफ्ता से पछुआ हवा चलने की वजह से सारे फसल एक बैग सूख चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ गेहूं और जौ की खेती की गई है। हम लोग मेन रोड से बहुत काफ़ी दूर निकल चुके हैं ताल में, करीब करीब चने के खेती के पास पहुंच चुके हैं। चने का खेत के करीब हम लोग हैं। हमारे मित्र बड़े भाई राय साहब हैं, इन्हीं का एक खेत है। अच्छा, आप देख सकते हैं चने का फसल लगा हुआ है। ये चना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर चना है। हम लोग इसी को लेने के लिए गाजीपुर से सुहल गांव के बड़ौरा में हैं हम लोग। इसमें हम लोग ताल में हैं, मेन सड़क से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर हम लोग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चना है, पूरी फसल लगी हुई है। आज हम लोग इसका हो रहा बोलते हैं, जैसी भाषा में हो रहा हम लोग कहते हैं। इसको आग में भून कर खाया जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को चने के खेत में। बहुत दिन बाद हम लोग चने के खेत में आए हुए हैं। धूप तो है, मगर चने के आगे इसकी खूबसूरती को देखते हुए धूप भी फीका पड़ जा रहा है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पे चने का फसल लगा हुआ है। आगे देख सकते हैं गेहूं और जौ भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड बहुत काफ़ी दूर पर है। हम लोग रोड से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं ताल में। धान भी बढ़िया होते। संजय फोन के ले रहा हूँ, इसका चावल खाते पैसा तो बोलिए हम ना ले चावल। अच्छा, चना भी बहुत सुंदर हुआ है। चना खेत से कबाड़ लिया गया है,
टोटो द्वारा है चना गाजीपुर हम ले जाएंगे और इसको हम लोग आग में भून कर खाया जाएगा। मगर बहुत अच्छा लगा। हम लोग धीरे धीरे चना लेकर रोड की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है मगर चने के आगे यह धूप फीका पड़ जा रहा है। चलते चलते पैर दर्द करने लग गया। काफ़ी दूर हम लोग निकल चुके थे। बहुत दिन बाद हम लोग खेत में 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चले हैं। यहाँ देख सकते हैं पीछे चना लेकर हम लोग गाजीपुर के लिए निकल चुके हैं। शर्मा जी भी अपना टोटो लेकर आ चुके हैं। यहाँ आप देख लीजिए शर्मा जी हैं। शर्मा जी, ये शर्मा जी हैं अपना टोटो लेकर गाजीपुर के सोहल गांव में के करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर आगे बड़ोरा गांव है, उस ताल में हम लोग हैं इस समय। यहाँ चना का खेत देख सकते हैं। यहाँ पे यह चना बिल्कुल पक चुका है। अभी सुबह के करीब 10:30 बज चुके हैं। काफ़ी धूप भी है और दादा और दादी जौ की फसल को काट रहे हैं। ये जौ है, इसकी कटाई हो रही है। दादा बहुत खुश हैं। अरे कटाई के यहाँ हम लोग रोड पर भी आ चुके हैं। रोड पर टोटो भी खड़ा है और वहाँ देख सकते हैं हमारी बुलेट भी है और राज साहब जिनकी खेत है ये उनकी बाइक भी वहीं खड़ी है रोड पे। हम रोड पर आ चुके हैं। बहुत धूप है, हम लोग हाँप चुके हैं। दौड़ते हुए हम लोग टोटो के पास आए हैं। बहुत काफ़ी धूप है। 3-4 किलोमीटर पैदल चना हम लोग भूज रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह भुना चुका है। अब इसे साफ करके बड़ा मतलब बड़ा खाएंगे। इसको आप देख सकते हैं
यदि हमारा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना न भूलें, साथ में लाइक और शेयर भी करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक बिना रुकावट के पहुंचता रहे। Yeah!